गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल स्क्रिप्टिंग के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर्स के ऊपर अर्थमेटिक जो भी ऑपरेशन अपने को करने होते हैं। सो अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए अपन यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपन एक नई फाइल बनाते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप उस पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर आप उस पर परफॉर्म करना चाहिए, कर पाने होने चाहिए आप। तो प्लस को हर कोई जानता है, प्लस का मतलब दो संख्या को जोड़ना होता है। माइनस का मतलब जानते सब, माइनस का मतलब संख्या को घटाने से मतलब है। मल्टीप्लाई डिवीजन एंड मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब शेषफल कितना निकालना है अपने को, और इसका मतलब कितनी बार पूरी बार भाग गया है वो निकालना होता है अपने को। तो ये हर एक लैंग्वेज में सेम ही होता है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। अब अपने को यही सेम काम अपने को परफॉर्म करना होता है सेल स्क्रिप्टिंग के द्वारा। तो सेल स्क्रिप्टिंग के द्वारा अपन पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एक्स इक्वल टू 75 लिया, वाई इक्वल टू 32 लिया। अपन एक बार वेरिएबल्स लेके चेक करेंगे, फिर बाद में अपन रन टाइम पे वैल्यूज लेंगे अपन, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू 75 किया और वाई की 32 किया मैंने। तो यहाँ पे मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ये वाला अपना जो साइन होता है, जिसको अपन कीबोर्ड के जस्ट जो एंड पे होता है, एस्केप एस्केप के नीचे सिंबल होता है, उसको अपन बोलते हैं। इस साइन का इस्तेमाल करते हैं अपन किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए सेल स्क्रिप्ट के अंदर। यानी कि इस कमांड सिंबल को, यानी बैक स्लैश जो अपन इसको बोलते हैं, ये वाला एक बैक स्लैश तो नहीं है, लेकिन इसको इस साइन का इस्तेमाल करके अपन यहाँ पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। तो एक्सप्रेशन अपने को सिंटैक्स बोल सकते हैं जिसके द्वारा अपन, या फंक्शन बोल सकते हैं जिसके द्वारा अपन ऑपरेशन कर पाता है। यानी कि एक्सप्रेशन का मतलब किसी भी एक्सप्रेशन को इवोल्यूएट करना है, गणना में करना है। तो इसको कमांड सब्स्टिट्यूशन के दौरान काम में लेते हैं। जब भी अपने को कोई भी कमांड परफॉर्म करनी होती है अपने को, तो इस साइन को अपन इस्तेमाल करते हैं। और एक्सप्रेशन फंक्शन का नाम जिसके द्वारा अपन इन ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाते हैं। तो एक्सप्रेशन डॉलर एक्स प्लस डॉलर वाई किया तो दोनों से जोड़ देगा, माइनस कर देगा, सब्सट्रैक्शन, और ये यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन से पहले अपने को कोट बैक स्लैश इस्तेमाल किया है अपन ने, क्योंकि बैक स्लैश इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि स्टार एक जो सिंबल है उसका शेल स्क्रिप्ट के अंदर या लाइनक्स के अंदर एक अलग महत्व है। तो स्टार जो कि सबको इंक्लूड करता है, अपन जैसे अपन कोई भी कमांड देते हैं अपन ls स्टार, तो वो सभी उसको ऑप्शन दिखाता है, सारे ऑप्शन पॉसिबल सॉल्यूशंस दिखाता है। तो स्टार का मतलब यूनिक्स के अंदर एक अलग है, उस मीनिंग को समाप्त करने के लिए अपन इसका बैक स्लैश अपन इस्तेमाल करते हैं, ताकि अपन सेल स्क्रिप्टिंग को ये समझा सके, सेल को ये समझा सके कि इसका यहाँ पे यूज़ एज ए मल्टीप्लिकेशन है, स्पेशल सिंबल नहीं है जो अपन किसी भी कमांड के लिए करते हैं, ठीक है। डिवीजन में कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे इसका कितनी बार भाग गया वो डिवाइड वो शो करेगा, और यहाँ पे कितना शेषफल है। सो अपन ने ये अपनी सेल स्क्रिप्ट रन कर लिखी है, इसको अपन ने सेव किया है second1.sh। आपने को रन कराना, अब यहाँ पे रन कराने के लिए वही तरीका sh, यानी कि सेल स्क्रिप्ट को रन करने के लिए पहले आपको सिंटैक्स दिखाना पड़ेगा, फिर फाइल का नाम second1.sh। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। समेशन करोगे 2 107 43, मल्टीप्लिकेशन ये डिवीजन 2 बार जाएगा और शेषफल इतना आएगा। जब आप डिवाइड करोगे इसको तो शेषफल ये आएगा। ओके, अब अपन बात करते हैं इसको रन टाइम पे इनपुट लेने के लिए। इको एंटर वैल्यू,
जैसा कि वो जैसा अपन ने पहले किया था, एंटर वैल्यू एक्स एंड वाई। सो अपन ने रीड किया एक्स और वाई। ओके रन करते हैं इसको। एंटर वैल्यू एक्स और वाई। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू रखी 100 और वाई की वैल्यू रखी मैंने 25। सो समेशन हो गया 125, सब्सट्रैक्शन हो गया 75, मल्टीप्लिकेशन हो गया 2500, डिवीजन गया 4 बार, और मॉडुलस कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन एक अपन दूसरी वैल्यू को अपन कर देखते हैं, जिस पे अपन को मॉडुलस भी आया अपने पास में। तो 113 अपन कर देते हैं और 15 कर देते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ आएगा। सो इन दोनों का समेशन किया तो 128 माइनस सब्सट्रैक्शन 1695, और ये आ गया। सो तो अपन ने किया क्या, यहाँ पे रीड फंक्शन के द्वारा अपन ने वैल्यूज को ऐड किया है। ठीक है, रीड के द्वारा अपन ने रन टाइम पे अपन ने एक्स और वाई के अंदर वैल्यू इनपुट कराई गई है यहाँ पे। तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के द्वारा सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर। सो ये किसी भी शेल स्क्रिप्ट के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का तरीका है। आपको इसीलिए इन चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट बाद अपना जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद में अपने पास में आता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, ये जीरो आ गया गलती से। ठीक है, सो रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर अपन देखेंगे कौन कौन से अपने पास में ऑपरेटर्स आते हैं। रिलेशनल के अंदर यहाँ पे जो काम आते हैं हाइफन इक्यू, यानी कि इक्वल के लिए दिखाता है ये हाइफन एन ई, नॉट इक्वल ये तो दिखाता है, ये तो अपने को शो करता है इक्वल, इक्वलिटी चेक करने के लिए ये दिखाता है नॉट इक्वल। इसके बाद हाइफन जी टी ग्रेटर देन हाइफन जी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू हाइफन एल टी लेस देन। लेस देन और हाइफन एल ई लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये अपने क्या रिलेशनल ऑपरेटर हैं सारे के सारे, जिनको अपन कोई भी जब अपने को कैलकुलेशंस करना, कोई भी लूप लगाना है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस समय अपन इस्तेमाल करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद में अपने पास में आते हैं, जो नेक्स्ट आता है अपने पास में लॉजिकल और एंड, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसको अपन अभी ऑपरेटर को इसलिए देख रहे हैं अपन ताकि जब अपन लूप को इस्तेमाल कर पाएँ तो अपन आसानी से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ओके, तो अपना जो ऑपरेटर्स हैं इसमें बूलियन ऑपरेटर जो होते हैं अपने, इसमें अपना ये वाला होता है, इसको अपन बोलते हैं लॉजिकल नेगेशन। लॉजिकल नेगेशन यानी कि अपोजिट,
हर कोई वैल्यू जीरो है तो उसको वन कर देगा, वन को जीरो कर देगा, फॉल्स को ट्रू, ट्रू को फॉल्स। ठीक है, इसके बाद हाइफन ओ, इसको बोलते हैं अपन लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर हाइफन ए, इसको बोलते हैं अपन लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सो ये कुछ अपने बूलियन ऑपरेटर्स हैं जो बूलियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के दौरान काम में लिए जाते हैं। सो अब आज के लेक्चर में इतना ही, अगली क्लास में अपन देखेंगे कि लूप्स किस प्रकार लगाए जाते हैं सेल स्क्रिप्ट के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।